दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे रोटी कपड़ा और मकान फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट से बारे में भी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। रोटी कपड़ा और मकान सन 1974 में आई एक म्यूजिकल एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, जीनत अमान, मौसमी चटर्जी, प्रेमनाथ, धीरज कुमार, कामिनी कौशल, अरुणा ईरानी, मदन पुरी, किशन धवन, मीना, सुलोचना और रजा मुराद नजर आए थे। इस फिल्म को मनोज कुमार ने डायरेक्ट किया था, इसे प्रोड्यूस भी उन्होंने किया था और इस फिल्म की कहानी और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे थे। इस फिल्म को 18 अक्टूबर सन 1974 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की, तो इस फिल्म का बजट 1 करोड़ 28 लाख था और इस फिल्म ने इंडिया में 5 करोड़ 25 लाख कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 9 लाख कलेक्शन किया था, तो अपने पहले हफ्ते में 65 लाख कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें, तो इस फिल्म ने 7 करोड़ 50 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस फिल्म को 6.9 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 1974 की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की, तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिए थे और इसके लिरिक्स संतोष आनंद ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 6 गाने थे और इसके सभी गाने सुपरहिट रहे थे, पर फिल्म का एक गाना मैं ना भूलूंगा, ये गाना सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा था, जिसे लता मंगेशकर और मुकेश ने गाए थे। वहीं बात करें अवार्ड्स की, तो इस फिल्म के लिए मनोज कुमार को बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, तो महेंद्र कपूर को और नहीं बस और नहीं वाले गाने के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, तो संतोष आनंद को मैं ना भूलूंगा वाले गाने के लिए बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। चलिए इस फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। नंबर 1, इस फिल्म का रिमेक बाद में सन 1986 में भी बनाया गया था, जिसका टाइटल जीवना पोर्टम रखा गया था और इस फिल्म में रजनीकांत नजर आए। जीनत अमान से पहले उनका रोल शर्मिला टैगोर को ऑफर हुआ था, लेकिन शर्मिला टैगोर को मौसमी चटर्जी वाला रोल पसंद आया था और वे वही रोल निभाना चाहती थी, लेकिन मनोज कुमार नहीं माने थे और उन्होंने शर्मिला टैगोर की जगह फिर जीनत अमान को लिया था। नंबर 3, इस फिल्म में पहली बार अमिताभ बच्चन ने कॉलेज स्टूडेंट का रोल निभाया था। नंबर 4, हाय हाय मजबूरी वाले गाने को पहले मौसमी चटर्जी पर फिल्माया जाने वाला था, लेकिन तब वे प्रेग्नेंट थी, इसलिए फिर इस गाने को जीनत अमान पर फिल्माया गया था। नंबर 5, ये फिल्म अजय देवगन के पिता वीरू देवगन की एज अ एक्शन डायरेक्टर डेब्यू फिल्म थी। नंबर 6, शशि कपूर वाले रोल के लिए मनोज कुमार पहले नवीन निस्कल को लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। नंबर 7, ये फिल्म अमिताभ बच्चन और जीनत अमान की साथ में पहली फिल्म थी। लेकिन नंबर 8, जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, तब अमिताभ बच्चन ज्यादा बड़े स्टार नहीं थे, इसलिए उनके फोटो को पोस्टर में छोटा रखा गया था, लेकिन जब ये फिल्म 10 साल बाद रिलीज हुई थी, तब अमिताभ बच्चन की फोटो को पोस्टर में सबसे बड़ा रखा गया था। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।